ठीक है, आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है ना, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आप लोग क्या समझते हैं? लिविंग कहने का मतलब क्या हुआ? हाँ, लिविंग का मतलब क्या हुआ बताओ? हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? आदित्य, ऋषभ, हाँ बताओ कोई। मैम क्या ऑडियो ब्रेक हो रहा है। ऑडियो ब्रेक हो रहा है? ओके, अभी क्लियर आ रही है? अभी हो रहा है, क्लियर आ रही है आवाज? यस मैम, मैम, क्लियर आ रही है। ओके। तो आप लोग बताइए, लिविंग और नॉन लिविंग में आप लोग कैसे डिफरेंशिएट करोगे? कैसे कहेंगे हम कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है? क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के? नीड फूड वाटर फॉर सर्वाइवल। यस, नीड फूड फॉर सर्वाइवल। फर्स्ट इज दे नीड फूड फॉर सर्वाइवल, ठीक है। सेकंड इज मैम बॉडी मूवमेंट। मूवमेंट, करेक्ट, मूवमेंट। थर्ड, मैम ग्रोथ। यस, ग्रोथ। फोर्थ, हाँ बोलो, सोचो मैम सोचो ब्रीथ। क्या हो सकता है। हाँ, क्या? मैम ब्रीथ। ब्रीदिंग, ओके। हाँ सही है, यस मैम। ब्रीदिंग, ठीक है। और देखो कौन हो सकता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्शियसनेस, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। कोई ऑर्गेनिज्म फूड ले रहा है, दैट मीन्स ही इज लिविंग। बट प्लांट्स को हम देख नहीं पा रहे ना कि वो फूड ले रहे हैं कि नहीं, फिर हमें पता है कि वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं एंड फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। मूवमेंट हमने देखा है, मूवमेंट प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। एनिमल्स में मूवमेंट के साथ साथ लोकोमोशन भी होता है, ठीक है। ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ग्रोथ सब में होती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर वो लिविंग है तो इट मीन्स कि वो ग्रो करेगा, ठीक है। जब ग्रोथ ग्रोथ होगी तो बाद में जब ग्रोथ के बाद क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। जब हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखा था तो वो क्या करते हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में साथ साथ चलता है ना। जब आपने सपोज ये एक सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखा, ये क्या होते हैं, ये पहले ग्रो करते हैं एंड ग्रोथ के बाद क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो हमने देखा था कि ये क्या होते हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इनमें साथ साथ चलते हैं। बट जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर जो ग्रोथ होती है और रिप्रोडक्शन होती है, वो अलग अलग चीजें हैं। वैसे तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ होती रहती है, बट रिप्रोडक्शन जो होता है इट्स अ चॉइस, है ना, कि बाद में जाके जब एक एज हो जाती है उसके बाद एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं या नहीं करते,
फोन पे डिपेंड करता है, बट ग्रोथ इज अ कॉमन प्रोसेस, ग्रोथ सबके अंदर होती है, ठीक है. एंड ब्रीदिंग, ब्रीदिंग भी कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर लिविंग है तो वो ब्रीद करेगा. सेकेंड इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक सेल से बना है. जो सबसे छोटी यूनिट होती है लिविंग की वो क्या होती है, एक सेल होती है, ठीक है. सेल के बाद क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम. तो हम क्या कह सकते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है. नेक्स्ट इज कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, क्या समझते हैं कॉन्शियसनेस से, बोलो. कॉन्शियस हो आप, आपको अगर बोला जाता है कॉन्शियस हो तो उसका मतलब क्या है, कि हम अवेयर हैं कि हमारे आसपास सराउंडिंग में क्या हो रहा है ना. Yes, ma'am. आप किसी भी चीज को फील कर पा रहे हो, जैसे कि आपने कोई गर्म चीज टच किया, ठंडी चीजों को टच किया, तो आप तुरंत अवेयर हो जाते हो कि नहीं ये बहुत गर्म है, इसे नहीं टच करना है, ठीक है. आप आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है वो आपका माइंड तुरंत उस चीज को सेंस कर लेता है ना. तो दैट इज कॉन्शियसनेस. तो कॉन्शियसनेस कैसे होता है कैरेक्टरिस्टिक, वो प्लांट्स के अंदर भी होता है, एनिमल्स के अंदर भी होता है, ठीक है. प्लांट्स के अंदर जैसे कि आपने वो प्लांट छुआ है ना, जैसे छूते ही वो क्या कहते होते हैं, हाँ टच मी नॉट प्लांट होता है ना, छूते ही वो उसके पत्ते जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद वो खुलते हैं, है ना. तो प्लांट के अंदर भी कॉन्शियसनेस होता है, ठीक है. देन अनदर इज मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेटाबॉलिज्म चलती रहती है. मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जब आप फूड खाते हो, ठीक है, तो क्या होता है, फूड हमारे बॉडी के अंदर जाकर टूटता है, टूटेगा तभी उससे एनर्जी रिलीज होगी, है ना. तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर चलते रहते हैं, ठीक है. केमिकल रिएक्शंस, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, चाहे वो एनाबॉलिज्म हो मतलब किसी चीज का बनना, या फिर वो कैटाबॉलिज्म हो यानी कि किसी चीज का टूटना. तो एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, ये दो चीजें मिलकर मेटाबॉलिज्म बनाती है, ठीक है. मतलब हमारी बॉडी के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ चीजें टूट रही है एंड कुछ ना कुछ नई चीजें बन रही है. टूटने का मतलब जैसे कि आपने फूड खाया, जब फूड खाया तो वो एनर्जी में टूटी, प्रोटीन निकला, कार्बोहाइड्रेट निकला, फैट, है ना, ये सारी चीजें निकली. और बनने का मतलब, एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बना रहे, ठीक है, प्रोटीन मिलकर डिफरेंट डिफरेंट आपके ऑर्गन्स को बना रहे, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, एनाबॉलिज्म. तो इन सारे कैरेक्टरिस्टिक को देखकर हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है, ठीक है. अब बात आती है डाइवर्सिटी की. सो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होगा, डाइवर्सिटी का मतलब आप देखते हो कि इस प्लैनेट पे कितनी डाइवर्स चीजें प्रेजेंट है ना, कितनी डाइवर्स टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है. आपने देख, आपने ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स को देखा जो बहुत बड़े हैं साइज में, ठीक है, हम ह्यूमन से भी बड़े हैं. ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो इतने छोटे हैं, इतने माइन्यूट हैं कि वो हमें नेकेड आई से दिखाई भी नहीं देते, ठीक है. तो आप कह सकते हो कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, मतलब वो किसी भी चीज को यूनिक बनाती है, ठीक है. डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी इज अबाउट what makes each of us unique, ठीक है. फिर आता है बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि
एक पर्टिकुलर रीजन में कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है, ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी कहेंगे. एक पर्टिकुलर रीजन या फिर एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम. इकोसिस्टम का मतलब क्या हुआ, सपोज एक जंगल है, ठीक है, जंगल के अंदर आपने देखा होगा कि रिवर भी होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स भी होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, कुछ लार्ज ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, बर्ड्स भी रहते हैं ना. सो मल्टीपल वेराइटीज ऑफ स्पीसीज उसमें एग्जिस्ट करती हैं. तो उस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या बोलते हैं कि वो उनकी बायोडाइवर्सिटी है. क्लियर है बायोडाइवर्सिटी का मतलब सभी को? Yes. So, हम क्या कह सकते हैं, इट कैन बी यूज्ड all the species in one region or ecosystem कह सकते हो. ecosystem का मतलब समझते हो आप लोग? biodiversity means every living thing. देखो क्या लिखा गया है, बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू एवरी लिविंग थिंग इंक्लूडिंग प्लांट्स, बैक्टीरिया भी आ जाएंगे, एनिमल्स भी होंगे, ह्यूमंस, ठीक है, जितने भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीसीज हैं सभी मिलाकर क्या बना रहे, बायोडाइवर्सिटी. तो अभी तक जो हमारे प्लैनेट में जो स्टडी जब की गई है उससे क्या पता चला है कि अराउंड 10 मिलियन स्पीसीज इस प्लैनेट पे प्रेजेंट है. ठीक है, कितने प्रेजेंट है, 10 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट है, बट अभी तक सबकी स्टडी हो नहीं पाई है ना. इनमें से सिर्फ 1 to 2 मिलियन स्पीसीज को हमने स्टडी किया है और हम जान पाए हैं कि उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनको हमने ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, इनको हमने स्टडी किया हुआ है कि ये कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक, इनकी सब डिटेल्स हमें पता है. बट बाकी के जो 7 to 8 मिलियन स्पीसीज ऐसे हैं जो अभी तक भी अनआइडेंटिफाइड हैं, उनको अभी तक भी मतलब उनको पहचाना नहीं जा सका है ना, आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है, बट वो अभी भी इतने ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. तो अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है. तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े ऑर्गेनिजम्स ही आते हैं इसमें, स्पीसीज के अंदर छोटे ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं ना, जो हमें नेकेड आई से दिखाई भी नहीं देते. तो सबसे ज्यादा तो पॉपुलेशन जो है वो इन्हीं स्पीसीज की होती है, बैक्टीरिया की हो गई, प्रोटोजोआ की हो गई, फंजाई की हो गई, इन सब की सब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है. ठीक है, यहाँ पे क्लियर है सभी को बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? ओके, नाउ क्वेश्चन आता है कि हमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी. बहुत बहुत पहले से, बहुत मतलब जब से आई थिंक लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, जब से लोगों ने जानना स्टार्ट किया, तब से ही लोग ट्राई कर रहे हैं क्लासिफाई करने की चीजों को, है ना. तो क्यों जरूरत है चीजों को क्लासिफाई करने की, ऑर्गेनिजम्स को, स्पेशली ऑर्गेनिजम्स को हमें क्लासिफाई करने की क्या जरूरत पड़ गई. Why do we need?
बताओ, सोचो क्या हो सकता है, क्लासिफिकेशन से क्या हुआ होगा? बताओ बताओ, अभी आपने क्या पढ़ा कि कितने स्पीसीज है प्लैनेट पे? 10 मिलियन है ना। अब ये सोचो कि 10 मिलियन स्पीसीज है, जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, हम ह्यूमंस भी एक स्पीसीज है। अब अभी देखो कितने बिलियंस ऑफ ह्यूमंस प्रेजेंट है ना इस प्लैनेट पे, लेकिन हम उसे एक स्पीसीज काउंट कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही एक डॉग है, तो डॉग की पूरी एक स्पीसीज है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज ऑफ डॉग्स आते हैं, है ना। फिर फर्दर अगर आप देखो तो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ क्या है, एक स्पीसीज है जिसके अंदर डिफरेंट अमीबा आ गया, पैरामिशियम आ गया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ कि 10 मिलियंस ऑफ स्पीसीज है, मतलब सोच सकते हो कि कितने वराइटीज है एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स के, है ना। तो अगर हम एक 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 ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो क्या हम सबके बारे में जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे ना। अगर हम अपनी पूरी लाइफ भी पढ़ ले तो भी हम सिर्फ कुछ ही स्पीसीज के बारे में स्टडी कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने उन चीजों को इजी बनाने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हमने क्या किया, उनको क्लासीफाई किया, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में, अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई किया, ताकि क्या हो कि जो स्टडी है ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो इजी हो जाए, उनका आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाए, ठीक है। उनका नोमेनक्लेचर दिया हमने, जैसे कि सपोज आम है, ठीक है, मैंगो है। अभी मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, कोई बता सकता है? मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका, है ना। तो मैंजीफेरा इंडिका आप बोलोगे तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी लोग समझ जाएंगे कि हाँ आप मैंगो की बात कर रहे हो, ठीक है। चाहे आप यहाँ पे उसका कोई भी नाम ले लो, दशहरी बोल दो, कोई भी अलग नाम बोल दो, है ना, जो भी मैंगो का, लेकिन हो सकता है बाहर के लोग वो समझ नहीं पाए, लेकिन जब आप मैंजीफेरा इंडिका बोलोगे तो सभी समझ जाएंगे। हम ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर नाम देना सारे स्पीसीज को, ताकि अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाए। आप कहीं भी रहो, दुनिया के किसी भी कोने में रहो, अगर आप वो नाम बोलोगे तो वो डेफिनेटली सभी लोग समझेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया। तो क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या किया गया, उनको आइडेंटिफाई किया गया, आइडेंटिफिकेशन की गई, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स निकाले गए कि किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। लाइक हम ह्यूमंस हैं तो हम सारे ह्यूमंस की एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक होंगी, है ना। डॉग की स्पीसीज है तो उनकी एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक होगी, कैट की स्पीसीज है तो उनकी एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक होगी, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज की कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी होगी। देन उनको क्या किया गया, नोमेनक्लेचर की गई उनकी, मतलब उनको नाम दिया गया, ठीक है, अलग अलग नाम दिया गया। तो क्या क्या किस लिए होता है क्लासिफिकेशन, बिकॉज इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन। Make study easy. ठीक है? And classification also helps in understanding the evolutionary process. In a better way. Evolutionary process का मतलब क्या हुआ? Evolutionary process का मतलब देखो, पहले जब organisms को classify करना start किया scientists ने, तो सबसे पहले क्या किया? उन्होंने सिर्फ plants और animals में divide कर दिया, ठीक है। एक scientist आए थे Aristotle, जिन्हें हम father of biology भी कहते हैं, है ना। Father of biology is Aristotle, ये father of zoology भी है, ठीक है। तो एरिस्टोटल ने क्या किया, पूरे जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे इस प्लैनेट पे उनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक को बोल दिया प्लांट, एक को बोल दिया एनिमल। तो उससे क्या हुआ कि
सारे ऑर्गेनिज्म जो थे, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ है ना, सभी को उन्होंने उठाकर प्लांट किंगडम में रख दिया, और बाकी जो एनिमल्स थे उनको एनिमल किंगडम में रख दिया। तो अभी भी बहुत ज्यादा कमी रह गई, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को कैरेक्टर के वाइज आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका, और क्या हुआ कि वो मतलब गलत हो गया वो क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके क्या हुआ, बहुत सारे क्लासिफिकेशन आया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया, ठीक है। तो डिफरेंट अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम आते गए, लेकिन क्या हुआ, पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे किया जाता था, मतलब कि सिर्फ जो हमें दिख रहा है, मतलब कि अगर हम ह्यूमंस हैं तो जो भी आप फिजिकली अपीयरेंस आपका है, ठीक है, उसके बेसिस पे किया कर दिया गया कि अगर हम मूवमेंट करते हुए दिख रहे हैं तो चलो हम एनिमल की कैटेगरी में आ जाएंगे, अगर कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, स्टेशनरी है, तो प्लांट के कैटेगरी में चला गया। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे डिविजन कर दिया। फिर फर्दर थोड़ी और जब थोड़ी और एडवांस हुई टेक्नोलॉजी है ना, तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा साइटोलॉजिकल स्टडी की, सेल्स को स्टडी किया, फिर धीरे धीरे करके इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता गया। फिर फाइनली अब जो क्लासिफिकेशन होता है, अब अगर किसी ऑर्गेनिज्म को आप लेते हो तो आप उसको किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हो, उसके फाइलोजेनेटिक बेसिस पे, ठीक है, फाइलोजेनेटिक बेसिस पे करते हैं। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इवोल्यूशनरी बेसिस पे। इवोल्यूशनरी बेसिस का मतलब अगर आपको कोई ऑर्गेनिज्म, नया ऑर्गेनिज्म मिला है, तो आप उसका क्या करते हो, जेनेटिक डिटेल्स निकालते हो, ठीक है। अब तो हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिससे हम क्या करते हैं, डीएनए को स्टडी करते हैं, फिर जीन कैसा है हम उसको स्टडी करते हैं, फिर हम पता लगाते हैं कि ये मतलब प्रीवियस किस ऑर्गेनिज्म से मैच कर रहा है ना, फिर हम उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखते हैं, ठीक है। तो अब का जो मेथड होता है, बहुत ही एडवांस तरीका है क्लासिफिकेशन का, वो होता है इवोल्यूशनरी मेथड पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो भी इवोल्यूशन प्रोसेस है उसको भी समझने में बहुत आसानी होती है। ये सारी चीजें क्लियर है आप लोगों को? बोलो। यस मैम। ओके, ठीक है। Then next question आपके NCERT में दिया है कि give three examples of the range of variation that you see in life forms around you. ऐसे तीन example बताओ जो आप देखते हो अपने आसपास, कि आप कह सकते हो कि एक organism दूसरे से different है। आप बता सकते हो? अगर आप दो पर्सन अपीयरेंस, ठीक है, हाइट अलग होती है, वेट अलग होते हैं, है ना, साइज अलग होता है ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, तो आप देखकर भी बता सकते हैं हम कि वेरिएशंस हैं, ठीक है। देखो अब इवोल्यूशन का क्या काम था क्लासिफिकेशन में। इवोल्यूशन से क्या होता है, जो भी चेंजेस आप देख रहे हो, सपोज अगर आप दो ह्यूमन को कंसिडर करोगे तो भी आप कह सकते हो कि दो ह्यूमन आपस में डिफरेंट है ना, उनकी आईज डिफरेंट होती है, नोज डिफरेंट होती है, हेयर्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है, आप कह सकते हो कि हाँ दो ह्यूमन अलग अलग है। लेकिन अगर आप उन्हीं दो ह्यूमन को एक डॉग से कंपेयर करोगे तो आप क्या कहोगे कि नहीं, ह्यूमन तो सिमिलर है बट डॉग अलग है ना। फिर अगर आप अच्छा ठीक है, ह्यूमंस सिमिलर है बट एक मंकी से कंपेयर कर दो तो आप बोलोगे मंकी जो है वो अलग है। बट अगर आप फोर्थ ऑर्गेनिज्म को लेकर आओ, सपोज काउ को लेकर आए, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि ह्यूमंस तो फिर भी मंकी से सिमिलर लग रहे हैं बट काउ से सिमिलर नहीं लग रहे हैं, है ना, काउ बहुत ही अलग हो जाता है। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है ऑर्गेनिजम्स का। हमने पढ़ा भी है कि कैसे हुए, चिंपैंजी से हम जो ह्यूमंस है वो इवॉल्व हुए हैं, है ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ है, चेंजेस होते गए, इवोल्यूशन होता गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ, स्पीसीज एक दूसरे से अलग हुए, ठीक है। जब अभी भी जब आप अगर एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज में देखते हो, हर स्पीसीज का अगर एम्ब्रियो आप देखोगे ना तो आपको सेम दिखेंगे, चाहे आप एक रैट का देख लो, एक फिश का देख लो,
एक फ्रॉग का देख लो, एक ह्यूमन का देख लो, हर किसी का अगर एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल सेम है, इनमें कोई डिफरेंसेस ही नहीं है. बट जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है, तो क्या होते जाते हैं, फिर धीरे धीरे अलग होते जाते हैं. ठीक है, तो ये जो भी चेंजेस आए हैं वो किसकी वजह से आए, इवोल्यूशन की वजह से. एक साइंटिस्ट थे डार्विन, चार्ल्स डार्विन, है ना. चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन के बारे में बहुत डिटेल में बताया था. ठीक है, इनकी एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. इन्होंने ये बुक दी है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, 1859 में लिखा था. इसमें इन्होंने बहुत स्टडी करके बताया था कि धीरे धीरे जो इवोल्यूशन से क्या होता है, धीरे धीरे कैरेक्टर्स एक्यूमुलेट होते जाते हैं, चेंजेस जो होते हैं वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होती जाती है. ठीक है, अभी हम ह्यूमंस ऐसे लग रहे हैं ना, हो सकता है कि 500 साल के बाद हमारे अंदर बहुत ज्यादा चेंज कोई एक्यूमुलेट हो जाए और 500 साल के बाद दिखाई दे. ठीक है, चेंजेस तो अभी भी हो रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा, बट चेंजेस कंटिन्यूसली हो रहे हैं, है ना. चेंजेस हमेशा होते रहते हैं, जब भी एक नया ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो ही जाते हैं, बट वो दिखाई नहीं देगा. वो कब दिखाई देगा, जब एक लॉन्ग टाइम पीरियड बीत जाएगा उसके बाद. ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं. Yes, ma'am. Okay. देखो अब क्लासिफिकेशन स्टार्ट कहां से हुआ वो मैं बता रही हूँ. एरिस्टोटल, एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट थे. ठीक है, ये कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी, इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है. ठीक है, एंड फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रेस्टस. तो एरिस्टोटल जो थे इन्होंने क्या किया, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स साइंटिफिक बेसिस. मतलब एरिस्टोटल से पहले तो बहुत सारे लोगों ने क्लासिफिकेशन का सोचा होगा, बट उन्होंने कोई साइंटिफिक बेसिस यूज नहीं की थी. ठीक है, लेकिन एरिस्टोटल जो आए उन्होंने क्या किया, एक साइंटिफिक तरीका लगाया, साइंटिफिक तरीके से उन्होंने क्लासिफिकेशन किया. तो उन्होंने पहले क्या बोला, किस तरीके से क्लासिफाई किया, पहला तो उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया. ठीक है, बोल दिया एक प्लांट्स है एक एनिमल्स है. फिर क्या बोला, एक एनिमल जो होते हैं, एनिमल्स दैट कैन फ्लाई. ठीक है, मतलब दैट लिव इन एयर, जो हवा में रहेंगे. सेकेंड बोला animals unable to fly. ठीक है, ये कहाँ रहेंगे, लैंड में या वॉटर में. ठीक है, तो एनिमल्स को कैसे क्लासीफाई किया उन्होंने, एक जो उड़ सकते हैं और दूसरे जो नहीं उड़ सकते हैं. ठीक है, बट यहाँ ड्रॉबैक क्या आया इनका, इनका ड्रॉबैक क्या हुआ, एक तो इन्होंने ज्यादा ग्रुप्स बनाए नहीं. ठीक है, सारे एनिमल्स को दो ही कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. फिर क्या हुआ कि जितने भी एनिमल्स थे इनको इन्होंने सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप में रख दिया, एंड जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दिख रहे थे उनको उन्होंने क्या किया, सिमिलर ग्रुप में प्लेस कर दिया. जैसे कि देखो, कोरल्स हो गए, वेल्स हो गए, ऑक्टोपस, ठीक है, स्टार फिश, शार्क, ये सारे क्या है, ये सभी आप सभी जानते हो कि सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है, पर उन्होंने क्या बोल दिया कि ये सब एक ही ऑर्गेनिज्म है, ये सारे क्योंकि वाटर में रहते हैं, है ना. दे आर इंटायरली डिफरेंट एनिमल्स लिविंग इन सी. ठीक है, हम सब जानते हैं कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो है एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है, है ना. इन सब में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं होगी. ठीक है, मतलब ज्यादा सिमिलर नहीं होंगे, बहुत अलग होंगे. इनके फंक्शंस अलग होंगे, इनके बॉडी शेप अलग होंगे, साइज अलग होगी, इनकी मॉर्फोलॉजी अलग होगी, है ना, सब कुछ अलग होगा. बट उन्होंने क्या कहा कि नहीं, ये सारे सेम है, ये एनिमल्स है, ये वाटर में रहते हैं. ठीक है, तो ये उनका ड्रॉबैक था. क्या था,
कि उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को क्या किया, सेम ग्रुप में प्लेस कर दिया. ठीक है, ही प्लेस्ड डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन सेम ग्रुप. ये इनका ड्रॉबैक हुआ. इसके बाद क्या हुआ कि फर्दर जो साइंटिस्ट है उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऑर्गेनिजम्स को इस तरीके से क्लासिफाई नहीं कर सकते, हमें फर्दर उनकी और कैरेक्टरिस्टिक को भी देखना होगा. ठीक है, तो और कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करना चाहिए. ऐसा दूसरे साइंटिस्ट ने बोला. क्या क्या हो सकता है उसमें? पहला हो सकता है सेल स्ट्रक्चर. ठीक है, जो भी क्लासिफिकेशन होगा वो सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे होगा. सेकंड चीज होगी कि ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलर है कि मल्टीसेलर है, इसके बेसिस पे होगा. सॉरी. ठीक है, फर्स्ट क्या हुआ, सेल स्ट्रक्चर को देखा जाएगा. सेकेंड थिंग इज यूनिसेलर है या मल्टीसेलर है इसे. ठीक है, थर्ड इज ऑटोट्रॉफिक है. ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉफिक प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर. देखो, ऑर्गेनिजम्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक लिया जाएगा? सेल स्ट्रक्चर. ठीक है, सेल स्ट्रक्चर फर्स्ट हो जाएगा. सेकंड इज यूनिसेलर है कि मल्टीसेलर है. थर्ड इज ऑटोट्रॉफिक है या हेटरोट्रॉफिक है, जैसे कि प्लांट्स या एनिमल्स, है ना. फोर्थ इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि आप प्लांट्स में देख लो कि एक होता है थैलस ऑर्गेनाइजेशन. थैलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जैसे कि एल्गे हो गए, फंजाई हो गए, इनका क्या होता है बॉडी, बॉडी जो होती है थैलस ऑर्गेनाइजेशन में रहती है. मतलब कि जो रूट होता है, शूट होता है, स्टेम होता है, ये सारी चीजें डिफरेंशिएटेड नहीं होती है ना, एक बॉडी होगी इस तरीके की, आपकी एक पूरी प्लांट बॉडी हो जाएगी. ठीक है, इससे आप क्या, ये सपोज एक एल्गे है तो इनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा कि आप देख पा रहे हो रूट है कि शूट है कि स्टेम है, ऐसा नहीं होगा. तो हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन. एंड सेकेंड क्या हो जाता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिफरेंशिएटेड होते हैं. डिफरेंशिएटेड का मतलब उनमें अलग अलग पार्ट्स आपको दिखाई देंगे. ठीक है, रूट शूट स्टेम सब अलग अलग होगा. नेक्स्ट इज बॉडी डिजाइन. बॉडी डिजाइन का मतलब ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बना है या टिश्यूज का है या फिर ऑर्गेन है या ऑर्गेन सिस्टम है, है ना. तो ये क्या हो जाएगा, बॉडी डिजाइन. तो इन सारे कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी किया जाएगा, देन ही क्लासिफिकेशन पॉसिबल है. ठीक है, डिविजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मेड. क्या हो सकता है वो कैरेक्टरिस्टिक? सबसे पहले क्या गया देखा गया था, नेचर ऑफ सेल को देखा गया था कि सेल कैसा है. ठीक है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. सबसे पहले आप किसी भी सेल में यही देखोगे ना कि सेल कैसा है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है? प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव टाइप का, है ना, जिसके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होगा. और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मतलब कि जिसके अंदर न्यूक्लियस जो होंगे वो वेल डेवलप्ड होंगे. ठीक है,
जब आप हायरार्की ऑफ इवोल्यूशन क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ। सबसे पहले अटेम्प्ट किसने किया किया था? फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने किया था। ठीक है, फिर जो टर्म आया किंगडम, सबसे पहले आया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ये जो टर्म आया था किंगडम, ये किसने दिया था? किंगडम टर्म दिया था कैरनस लीनियस ने। ठीक है, जब तक एरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया गया था तो उन्होंने किंगडम टर्म नहीं दिया था। जो किंगडम टर्म दिया गया ये सेकंड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन से दिया गया, और ये साइंटिस्ट थे कैरोलस लीनियस। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हम उनको दो किंगडम में डिवाइड करेंगे, और वो दो किंगडम कौन से थे? प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, फिर आया था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था अर्नस्ट हैकल ने। ठीक है, ये सारी डेट भी आपके बुक में दिए हुए हैं, आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, देन आया था फोर किंगडम क्लासिफिकेशन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं दिया आपके बुक में, बट ये दिया था कोपलैंड ने। देन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी भी जो हम यूज करते हैं जिस किंगडम को, वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये आर एच वाइटेकर ने दिया था 1959। हाँ मैम, ये सब कौन कौन से किंगडम थे? कौन से किसके बारे में पूछ रहे हो मैम? थ्री किंगडम, फोर किंगडम और फाइव किंगडम में कौन कौन से किंगडम आते हैं? हाँ मैं अभी बता रही हूँ, आगे पहले मैं आपको साइंटिस्ट के नाम बता दे रही हूँ। ठीक है, फाइव किंगडम के बाद सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया, ये कार्ल बोस ने दिया 1977 में। ठीक है, तो अभी तक जो सबसे लेटेस्ट है हमारे पास सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन अवेलेबल है। ठीक है, बट जो जिसे हम स्टैंडर्ड मानते हैं वो कौन सा है? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी भी जो हम यूज करते हैं वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ही है। ठीक है, अभी भी ऐसा नहीं है कि आगे कोई किंगडम आ नहीं सकता, हो सकता है आगे और सेवन किंगडम एट किंगडम भी आ जाए, अभी स्टडी चल रही है ना, बट अभी तक सिक्स किंगडम तक अभी तक हमें पता है। देखो अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या थे इन किंगडम्स में। इनका नाम किंगडम जो रखा गया है, किंगडम का मतलब देखो, जब स्पीसीज, जब किसी भी स्पीसीज को सपोज एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म को जब आप स्टडी करते हो तो क्या क्या पढ़ते हो? सबसे पहले आता है उसका स्पीसीज। सपोज हम ह्यूमंस है ना, हम अपने बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हम एक स्पीसीज के अंदर आएंगे। ठीक है, कौन सी स्पीसीज है हमारी? सैपियंस है ना, हम क्या है? होमो सैपियंस है। ठीक है, तो हमारी स्पीसीज हो गई सैपियंस। स्पीसीज के बाद क्या आता है? जीनस। ठीक है, स्पीसीज सबसे छोटी यूनिट है ना, उसके उससे बड़ी क्या है? जीनस। जीनस के बाद क्या आता है? फैमिली। ठीक है, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलम, फाइलम के बाद किंगडम। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है? ये सारी टैक्सोनॉमी है। मतलब हम छोटी छोटी चीजों को क्या करते हैं? हमने ग्रुप में डिवाइड कर दिया सबको। ठीक है, एक छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हमने सबको डिवाइड कर दिया है ताकि हमारा क्या हो, स्टडी इजी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को बताती हूँ, जैसे कि एक स्पीसीज है लियो, ठीक है, टिग्रिस, लियो हो गया, टिग्रिस हो गया। लियो इज फॉर लॉयन है ना, टिग्रिस इज फॉर टाइगर। तो ये दोनों हमें पता है अलग अलग स्पीसीज हैं। ठीक है,
बट इनका जीनस क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। लायन एंड टाइगर को हम किस जीनस में रख देते हैं, पैंथेरा, ठीक है, पैंथेरा में रख देते हैं। देन क्या होते हैं, फैमिली आएगी, एक एक अलग जीनस आ जाएगा कैट का, ठीक है। एक मिनट मैं वो एग्जांपल निकाल कर दिखाती हूँ आप लोग को। ठीक है, तो ये जो लॉयन है टाइगर, इनका स्पीसीज क्या है, लियो टाइग्रिस, और इनका जीनस क्या है, पैंथेरा, ठीक है। उसी तरीके से कैट है, तो कैट का जो जीनस होता है वो होता है फेलिस, ठीक है। उसी तरह से फॉक्स होते हैं, फॉक्स का जीनस होता है वल्प्स। ये सारे स्पीसीज अलग अलग है एक दूसरे से, है ना, डिफरेंट है, ठीक है। बट ये इनकी फैमिली क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है। इनकी फैमिली सपोज हो गई फेलिडी, ठीक है, इनकी फैमिली सिमिलर हो गई। फिर ये जो बल्ब्स है और डॉग है ना, इनकी फैमिली क्या हो जाती है, कैनिडी, ठीक है। फिर ये दोनों मिलकर एक क्लास में जाएंगे, फिर वो क्या होंगे, एक फाइलम बनाएगा, फिर वो क्या होगा, फर्दर एक किंगडम बनाएगा। ये सारे किस किंगडम में आ जाएंगे, एनिमेलिया, ठीक है। इस तरीके से इनका डिविजन होता है। तो हमने क्या किया है, इन सब इन सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए इतने ग्रुप्स बनाए हैं। ये सारे क्या है, अलग अलग ग्रुप्स हैं, ठीक है, स्पीसीज हैं। डिफरेंट स्पीसीज मिलकर एक जीनस बनाते हैं, डिफरेंट जीनस मिलकर एक फैमिली बनाते हैं, डिफरेंट फैमिली मिलकर एक ऑर्डर बनाएगी। उसी तरीके से क्या होगा, एक किंगडम का फॉर्मेशन होगा। तो जो हम किंगडम है, किंगडम को हमने पांच ग्रुप में डिवाइड किया है, ठीक है। अभी हम वो पांच ग्रुप कौन कौन से अभी हम पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि किंगडम का मतलब क्या है। अभी ये क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Okay, देखो सबसे पहला जो आया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर प्लांटे और एनिमेलिया, ये दो चीजें दी गई थी, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे इस प्लैनेट पे, उन दोनों उन सारे ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ ये दो किंगडम में डिवाइड कर दिया गया। जो इसमें जिसके अंदर मूवमेंट था उनको बोल दिया गया वो एनिमेलिया है, जो मूव नहीं कर सकते थे उनको बोल दिया गया वो प्लांट है, ठीक है। देन ये किंगडम का कॉन्सेप्ट जब फेल हो गया तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया। उसमें क्या किया गया, प्लांटे और एनिमेलिया से कुछ ऑर्गेनिजम्स को निकाल कर एक अलग ग्रुप क्रिएट किया गया, प्रोटेस्टा, ठीक है, प्रोटेस्टा, जिसके अंदर सारे प्रोटोजोआ आ जाते थे, जितने भी बैक्टीरिया थे सबको प्रोटेस्टा में डाल दिया, ठीक है। तो प्रोटेस्टा थर्ड किंगडम में आ गया। देन फोर्थ किंगडम आया, अभी भी स्टडी क्या हुई, आसान नहीं हुई, है ना, स्टडी अभी भी बहुत मुश्किल लग रही थी, क्योंकि सारे बैक्टीरिया को हमने प्रोटेस्टा में डाल दिया था, तो इस तरीके से लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे कि हम कैसे उसको स्टडी करें। तो क्या किया, फोर्थ ग्रुप क्रिएट किया, प्लांटे तो थे, एनिमेलिया भी वैसे ही थे, प्रोटिस्टा को भी रहने दिया, एंड फोर्थ इससे बनाया मोनेरा, ठीक है। मोनेरा के अंदर क्या किया, सारे बैक्टीरिया को उठाकर डाल दिया। देन अभी भी स्टडी इतनी इजी नहीं हुई, तो क्या आया, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसके अंदर प्लांटे थे, एनिमेलिया, देन प्रोटेस्टा, मोनेरा भी था, एक नया ग्रुप बना जिसका नाम था फंजाई, ठीक है। तो फंजाई का कॉन्सेप्ट आया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में। फिर एक साइंटिस्ट आए फर्दर सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन लेके, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या किया, जो मोनेरा था, ठीक है, मोनेरा के अंदर सारे बैक्टीरिया थे, पर उन्होंने बोला कि मोनेरा को मैं दो ग्रुप में डिवाइड करूंगा, एक
आर्किबैक्टीरिया एंड सेकेंड इज यू बैक्टीरिया. ठीक है, आर्किबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में उन्होंने मोनेरा को डिवाइड कर दिया, तो क्या हुआ, ये सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन बन गए. ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्योंकि जो आर्किबैक्टीरिया होते हैं और यू बैक्टीरिया होते हैं इनका जो सेल वॉल का कॉम्पोजिशन होता है बहुत ही अलग होता है. आपने मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोग को पढ़ाया था जो बैक्टीरिया होते हैं उन लोग की सेल वॉल कैसी होती है. इनकी सेल वॉल जो होती है ये पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है ना. पेप्टिडोग्लाइकन मैंने बताया था नैम और नैग, ठीक है, ये सारे मॉलिक्यूल से बने होते हैं. एनेसिटाइल म्यूकोसामाइन और एनेसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है, एनेसिटाइल म्यूरामिक एसिड. तो इनका जो सेल वॉल होता है इनके अंदर ये पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होते हैं, है ना, इनकी जगह कुछ और होते हैं. तो जो सेल वॉल होता है इनके स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखा था उन्होंने, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक अलग किंगडम ही बना दिया. मोनेरा को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बोला कि आर्किबैक्टीरिया हो जाएंगे और यू बैक्टीरिया हो जाएंगे. ठीक है, सबको अलग अलग बना दिया. तो अभी तक जो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे जो हम जिसको स्टडी करते हैं वो कौन से है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. ठीक है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या आता है, मोनेरा. मोनेरा के आप अंदर आप पढ़ोगे बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है. देन आता है प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा के अंदर हम पढ़ते हैं प्रोटोजोआ के बारे में, इसमें आप पढ़ोगे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, प्रोटिस्टा होते हैं. थर्ड हो जाता है फंजाई. फंजाई में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि ईस्ट हो गए, मशरूम हो गया, है ना, ये सारी फंजाई की वैरायटी है. ठीक है, फंजाई के बाद आ जाएगा प्लांटे. प्लांटे के अंदर भी आप बहुत सारे अलग अलग पढ़ोगे, जैसे कि एल्गे हो जाते हैं, एल्गी को प्लांट किंगडम में रखा गया है. फिर हो जाता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, ठीक है, टेरिडोफाइटा. प्लांटे का भी अलग अलग ग्रुप है ना. फिर आ जाते हैं एनिमेलिया. एनिमेलिया के अंदर भी बहुत सारे फर्दर डिविजन आते हैं. ठीक है, तो हमें क्या क्या पढ़ना है, इन पांचों किंगडम के बारे में पढ़ना है. ठीक है, डिटेल में पढ़ना है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस मैम. ओके, अब देखो, अभी मैंने आप लोग को किंगडम के बारे में समझाया है ना, कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे इन सबको क्या किया, किंगडम में डिवाइड कर दिया, पांच किंगडम में. ठीक है, जितने भी इस प्लैनेट पर ऑर्गेनिजम्स है वो इन्हीं पांच किंगडम के अंदर आ जाएंगे अभी तक के हिसाब से. इस किंगडम के बाद क्या होगी, इस किंगडम से छोटी यूनिट फाइलम. ठीक है, फाइलम टर्म्स हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, अगर वही प्लांट्स है तो हम कहेंगे डिवीजन. ठीक है, प्लांट्स के लिए हम बोलते हैं डिवीजन. फाइलम से छोटे होते हैं क्लास. ठीक है, क्लास से छोटे होते हैं ऑर्डर. ऑर्डर के बाद फैमिली. फैमिली के बाद जीनस. जीनस के बाद स्पीसीज. तो स्पीसीज क्या है, स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, सबसे छोटी यूनिट है क्लासिफिकेशन की. स्पीसीज को आप लोग कैसे डिफाइन करोगे, स्पीसीज इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट आर सिमिलर एनफ breed and perpetuate. ठीक है, species का मतलब क्या होता है, suppose एक
इकोसिस्टम है ना, ये एक इकोसिस्टम है। अब इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, बट आप स्पीसीज किन को कहोगे, वो उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को आप एक स्पीसीज कंसिडर करोगे जो क्या करेंगे, ब्रीड कर सकेंगे, जिनके अंदर इंटरब्रीडिंग हो सकेगी, है ना। एक लॉयन और एक टाइगर ब्रीडिंग कर सकते हैं क्या? क्या एक लॉयन और एक बर्ड ब्रीडिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। ब्रीडिंग का मतलब रिप्रोडक्शन, है ना। क्या वो दोनों रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एनिमल्स और एक बर्ड्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? बोलो। नहीं कर सकते, तो वो क्या होंगे, हम उन्हें एक स्पीसीज कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। वो दोनों क्या हो गए, वो अलग अलग स्पीसीज हो गए। बर्ड एक अलग स्पीसीज है, एनिमल्स एक अलग स्पीसीज है ना। तो स्पीसीज क्या होंगे, सिमिलर स्पीसीज कौन से होंगे, जो इंटरब्रीडिंग कर सकते होंगे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि वो सिमिलर स्पीसीज है, भले ही वो मॉर्फोलॉजिकली थोड़े डिस्टिंक्ट भी हो, बट वो क्या, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि वो इंटरब्रीडिंग कर सके, ठीक है। ओके, मैंने क्या क्या एग्जाम्पल बताया था आपको, मैंजिफेरा इंडिका, ठीक है। ये किसका साइंटिफिक नेम है, मैंगो का। तो इसके अंदर ये जो इंडिका है, ये क्या है, ये स्पीसीज नेम है, ठीक है। और ये जो मैंजिफेरा है, दिस इज जीनस, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, सोलेनम ट्यूबरोसम, जो ट्यूबरोसम है दिस इज स्पीसीज नेम, सोलेनम इज जीनस नेम। हम इसको अंडरलाइन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब साइंटिफिक नेम को आप लिखते हो तो हमेशा अगर आप उसे हाथों से लिख रहे हैं ना, हैंड रिटन फॉर्म में, तो इस तरीके से अंडरलाइन करेंगे। अगर वो प्रिंटेड फॉर्म में है तो वो कैसा होना चाहिए, इटैलिक्स में होना चाहिए, ठीक है। तब कुछ ऐसा हो जाता है, इटैलिक्स में हो जाता है, मैंजिफेरा इंडिका। तो इस टाइम इसे अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, बट जब आप हाथों से लिखते हो तो आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये किसका साइंटिफिक नेम है, पोटैटो का। तो यहाँ तक समझ में आया सभी को, स्पीसीज क्या होते हैं? यस मैम। मैम ये नोट्स मैम हम ग्रुप में भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगी। तो आज हम यहाँ तक रहने दें, नेक्स्ट क्लास से हम मोनेरा से स्टार्ट करेंगे, है ना। किसी को डाउट है यहाँ पे कोई? नो मैम, सभी को क्लियर है? अक्षत, ऋषभ, सभी, आप सभी को क्लियर है ना? मैम मैम वो मेटाबॉलिज्म किससे बना था? हाँ क्या बोल रहे हो? मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म और किससे बना था? अच्छा बता रही हूँ, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड अ बॉडी, ठीक है। इसमें दो चीजें आती है, पहला होता है एनाबॉलिज्म एंड सेकेंड इज कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब किसी चीज का बनना, है ना। कैटाबॉलिज्म का मतलब टू ब्रेक डाउन, ठीक है। इसका मतलब एक्युमुलेशन या सम टोटल भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि जितने भी रिएक्शंस आपकी बॉडी के अंदर चल रहे हैं वो सारे केमिकल रिएक्शंस को हम बोल देते हैं मेटाबॉलिज्म,
ये दो होते हैं एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म का मतलब जैसे कि आपके बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना, जैसे कि अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल हैं, कुछ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, कुछ दूसरे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो सारे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आपस में जुड़ जुड़ कर थोड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, थोड़े बड़े कंपाउंड्स बनाएंगे, है ना। वो कंपाउंड्स जुड़कर क्या होंगे, फर्दर नए केमिकल्स बनाएंगे, फिर वो क्या करेंगे, वो एक सेल को बनाएंगे, सेल फर्दर टिश्यू बनाएगा, टिश्यू फर्दर ऑर्गेन बनाएगा। तो इस तरीके से आपकी बॉडी में एनाबॉलिज्म चलती रहती है, मतलब चीजें बनेंगी तभी तो आपको एनर्जी मिलेंगी, है ना, और तभी आपका क्या होगा, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। और कैटाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म का मतलब जब आपने फूड खाया, तो फूड जब आप खाओगे तो उस फूड को क्या करेगा, आपका बॉडी छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपने फूड खाया तो वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, फिर कन्वर्ट होगा प्रोटीन, फैट, फैट है ना, सारे मॉलिक्यूल्स में टूटेंगे, फर्दर और टूटेंगे जब रेस्पिरेशन होगा, और टूटेंगे, वो एनर्जी एटीपी बनाएगी, ठीक है। तो ये सब क्या हो रहा है, कैटाबॉलिज्म। क्लियर है? यस मैम। ओके, और किसी को कोई डाउट? नहीं है ना, चलो ठीक है, आप लोग इस चीज को रिवाइज करना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से मोनेरा ये सब स्टडी करेंगे, ठीक है। चलो फिर बंद करूं, बाय बाय।